आगामी चुनाव में ड्यूटी कर रहे पुलिस के जवानों को रुद्र प्रतिष्ठान द्वारा अल्पहार व टॉयलेट किट वितरण करने का कार्यक्रम आज नौपाड़ा में किया गया। इस अवसर पर सहायक पुलिस आयुक्त श्रीमती पांडवी मैडम, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संजय धुमाल के मार्गदर्शन व सहयोग से रुद्र प्रतिष्ठान के सलाहकार धनंजय सिंह तथा रुद्र प्रतिष्ठान के अध्यक्ष विनय सिंह के हाथों जवानों को किट का वितरण किया गया। जेजेबी न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप बने रहें ताजा तरीन खबरों के साथ। इस देश में चुनावी प्रक्रिया चल रही है, वहीं चुनाव को सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए पुलिस प्रशासन अपना काम बड़े बखूबी से निभा रही है, तो वहीं रुद्र प्रतिष्ठान ने पुलिस के जवानों को कुछ सेफ्टी किट का आज वितरण किया है। हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे हमारे साथ नौपाड़ा की एसीपी मैडम है कि आखिर आज जो रुद्र प्रतिष्ठान ने काम किया है कितना अच्छा और कितना कारगर है। आज आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे पूर्ण भारतात लोकसभा इलेक्शन चालू आहे आणि जो चौथा टप्पा आहे त्याचा आपले जे ठाणे कमिशनरेट आहे चौथ्या टप्प्यात आपले लोकसभा इलेक्शन आहे त्याच्यात नौपाडा डिव्हिजनमध्ये 25 ठाणे लोकसभा मतदारसंघ येतो आणि डीसीपी एसीपी नौपाडा म्हणून माझ्याकडे 3 पोलीस स्टेशन आहे राबोडी ठाणे नगर आणि नौपाडा। तर आपल्याला याच्यासाठी जो आहे की आपलं मनुष्यबळ जे आहे आपल्याकडचं कमिशनरेट ते कमी पडतं त्याच्यासाठी आपल्याला आउटर असिस्टंट मिळत असतो। काही लोक जी आहेत ती आपल्याला मरोळवरून मिळाली आहे जे कॉन्स्टेबल्स आहेत प्लस आपल्याला उस्मानाबादवरून आणि रत्नागिरीवरून काही होमगार्ड्स मिळालेले आहे। याच्यात पोलीस डिपार्टमेंटकडून आपण त्यांना राहण्याची सोय करतो प्लस त्यांचा 2 टाईमचा नाश्ता 2 टाईमचं जेवण चहा सगळी रेसिडेन्शियलची पण व्यवस्था करतो प्लस वरिष्ठांकडून अशाही आम्हाला सूचना होत्या की जे होमगार्ड बाहेरून येतात किंवा जो आउटर असिस्टंट आहे त्यांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास नको व्हायला त्यांना सगळ्या प्रकारचं तुम्ही सुविधा ओपन करा आणि आमच्या वरिष्ठांच्या सूचना होत्या त्याच्यामुळे आम्ही अप्रोच झालो रुद्र फाउंडेशन विनय सिंग त्यांचे अध्यक्ष आहे रुद्र फाउंडेशनचे आणि धनय सिंग सरसुद्धा आहेत त्यांनी एका शब्दावर आपल्याला ते किट मिळवून दिलं आहे ज्या किटमध्ये आपल्याला जे दैनंदिन वापरायच्या गोष्टी आहेत टूथपेस्ट असेल टूथब्रश असेल त्याच्यानंतर इवन त्यांनी पार्लेजीचे बिस्किट सुद्धा दिलेले आहेत त्यांच्याकडे इवन लोक बंदोबस्त करून जर त्यांना थकवा आला काही त्रास झाला पाय दुखले तर इवन त्यांनी कोंबी फ्लेमच्या गोळ्यासुद्धा दिलेल्या आहे। त्याच्यामुळे पूर्ण ठाणे कमिशनरेट आणि एसीपी नौपाडा विभाग त्याच्या वतीने मी त्यांना माझ्याकडून धन्यवाद सांगतो त्यांनी खूप छान सहकार्य केलेलं आहे। मॅडम जहां तक देखा जाए तो हर लोकसभा चुनाव में मतदार कम होता है तो आप एक ऑफिसर हैं क्या कहना चाहेंगे मतदार लोगों से। मतदारांना एवढीच अपील करते जे मतदान करणं आपण 5 वर्षांसाठी लोकप्रतिनिधी निवडून देतो आपल्या आमदार खासदार असतील त्याच्यातनंच मग नंतर मंत्री बनतात त्याचे आपण PM आपण निवडत असतो आणि ते 5 वर्ष जे आपले गरजा आहे किंवा ज्या सोयीसुविधा आहे किंवा आपल्यासाठी काम करत असतात त्याच्यामुळे मी लोकांना हेच अपील करेल की राज्यघटनेने मतदान करणं हा तुमचा एक मूलभूत अधिकार आहे त्याच्यामुळे जनतेला मी एवढंच सांगू इच्छिते की जास्तीत जास्त लोकांनी मतदानासाठी बाहेर पडा। देखा जाए तो थाने में एकही नाम घुसता है जो पुलिस वालों के लिए हमेशा हमेशा से खड़े रहते हैं आखिर ये चेष्टा उनको मिली कहाँ से और आगे ये पुलिस परिवार या उनके लोगों के लिए क्या करना चाहेंगे सर क्या कहेंगे आप। आज देखा जाए तो आप समय समय पे कभी रेनकोट बांटते हैं पुलिस वालों के तो आज आपने किट दिया है। मैं तो यही चाहूँगा कि एक बोलना चाहूँगा कि एक नागरिक होने के नाते जवाबदार नागरिक होने के नाते यह हमारा कर्तव्य बनता है कि जिस तरीके से बॉर्डर पे हमारे सिपाही लड़ाई करते हैं और उससे भी ज़्यादा मैं ये चीज़ आप लोगों को पूरी जवाबदारी के साथ बताना चाहूँगा कि उससे भी बड़ी कठिनाइयों के साथ हमारे पुलिस भाई पुलिस के जितने भी कर्मचारी हैं लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए दिन रात सारे आप देखेंगे सारे त्यौहार में हम लोग त्यौहार मनाते हैं और वो लोग हमारी हमारी खुशियाँ अच्छे से हम लोग मना सकें त्यौहार मना सकें तैनात होकर हमारे लिए एक शांतता का माहौल बनाए रखते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। इलेक्शन का इतना बड़ा एक पवित्र पर्व है हमारे देश में जिससे हम एक अपनी सरकार बनाते हैं जो हमारे देश हित में काम करे यही उम्मीद करते हैं हम। तो आज बड़े ही गौरव और सम्मान की बात है कि एसीपी महोदय यहाँ के जो हमारे मित्र हैं धुमाल साहब क्राइम पी है नौपाड़ा के हमें इन लोगों ने इस अच्छे काम के लिए चुना। मैं सबसे पहले इनका धन्यवाद करना चाहूँगा और ये एक हमारी जिम्मेदारी है। मैं चाहूँगा हर किसी को राजनीति और ये सब चीज़ ठीक है वो अपनी जगह वो भी ज़रूरी है लेकिन सबसे पहले एक मानवता
और देश हित में काम होना चाहिए, जो हम सबकी जिम्मेदारी है। और रुद्र प्रतिष्ठान के माध्यम से हम हमेशा ये जो भी हमसे बन पड़ता है हम ये सेवा देने की कोशिश करते हैं, और अपने आप को इस चीज़ के लिए बहुत 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 गर्व महसूस होता है कि कहीं ना कहीं देश के छोटे से देश के इस बड़े पर्व में एक छोटी सी जिम्मेदारी हमें भी निभाने का मौका पुलिस प्रशासन के माध्यम से मिलता है। मैं इसके लिए पूरे पुलिस प्रशासन का धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि इनके कारण आज जो इतना बड़ा माहौल चल रहा है, तो आपका मतदान कर सकें शांति से, आपकी सरकार बन सके, आपके देश में एक अच्छी सरकार बन सके, इसके लिए आज बाहर से भी बहुत सारी पुलिस टीम आई है, तो उनकी व्यवस्था करना, क्योंकि वो आपके लिए आई है, तो आज आपके शहर में आई है, तो यहाँ के नागरिक होने के कारण हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके, क्योंकि वो परदेश में आए हैं, आपके लिए आए हैं, तो ये हर किसी की जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके लिए जो भी बन सके आगे बढ़ के उनको मदद करें। और मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा आप लोगों का भी, क्योंकि आप लोगों ने भी रुद्र प्रतिष्ठान को और पुलिस प्रशासन के अच्छे कामों को हमेशा सराहा है। आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर, कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुछ दिनों पहले आपका राजनीति से भी नाम जुड़ रहा था, लेकिन अचानक आप एक संस्था के नाते एक संस्था संचालक से जुड़ के इस तरह से अच्छे काम कर रहे हैं, तो यहाँ के जो वोटर हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करेंगे? मैं तो यही चाहूँगा, देखिए ये अपना जो देश है, यहाँ पे हर किसी को डेमोक्रेसी है, जिसको जो पसंद है, हर किसी की अपनी विचारधारा होती है। मैं यही चाहूँगा कि देश हित में और समाज हित में आपको जो लगता है कि जो पार्टी काम कर रही है, आप उसके साथ जाइए। करप्शन एक बहुत बड़ा बीमारी है, रोग है हमारे देश के लिए, जिससे हम लोग जूझ रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे मेहनत का पैसा उसमें जाता है। तो आज के वोटर्स काफ़ी समझदार हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने हिसाब से उनको जो सही लगेगा वो अपना डिसीजन लेंगे। हमारे साथ अध्यक्ष महोदय विनय सिंह जी भी मौजूद हैं, जो एक यंगस्टर हैं और पेशे से शिक्षित हैं। हम ये उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एनजीओ के द्वारा पुलिस प्रशासन का इतना मदद करते हैं और आगे का सपना उनका क्या है। सर, क्या कहेंगे आप, यंगस्टर हैं, यंगस्टर का एक सपना होता है, तो क्या आपका सपना है? हमारी टीम का सपना यही है कि रुद्र प्रतिष्ठान हमेशा जागरूकता को लेकर लोगों को जागरूक करना, समाज को, नागरिकों को उनके नैतिक कर्तव्यों के बारे में जागरूक करना, इस पर कार्य करेगा। आज पुलिस प्रशासन का और डिपार्टमेंट का और सारे लोगों का जो सहयोग हमको मिलता है, नागरिकों को जो सहयोग मिलता है, तो हमें भी ये बात याद रखनी चाहिए कि हमें भी उनके लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। इस तरफ से हमारे रुद्र प्रतिष्ठान की टीम ने एक हल्का सा, एक छोटा सा सहकार किया है, और ऐसा सहकार हमसे करते रहेंगे। इसके लिए जो है कि हम प्रशासन की टीम का और हमारे चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने कि किस तरह से यहाँ के पुलिस अधिकारी ACP मैडम ने बताया कि हमारे देश में एक चुनाव माहौल है और हम सुरक्षा को चकाचौंध करने को लेके हम काम कर रहे हैं और हमेशा काम करते रहेंगे। तो वहीं NGO के अध्यक्ष और सलाहकार महोदय ने भी बताया कि हम है ऐसे प्रशासन का जिनको सेवा करने का हमको मौका मिलता है। वहीं हमारे साथ क्राइम के वो शख्स खड़े हैं जिनको लोग पुलिस ऑफिसर नौपाड़ा में बड़े प्यार से कहते हैं, धुमाल सर। हम जानने की कोशिश करेंगे कि जहां क्राइम बढ़ रहा है, चुनावी माहौल में एक चैलेंज है उनके लिए कि यहां पे क्राइम को भी रोकना है और चुनाव में बंदोबस्त करना है, क्या रणनीति रहेगी सर की? अभी तो हमने लास्ट मंथ से हमने पूरी तरह से ये क्राइम के बारे में जितने भी अभी हिस्ट्री शीट है और जहाँ जिन्होंने जो भी क्राइम के बारे में जिस इंसान के खिलाफ गुनाह दर्ज है वो सभी लोगों के खिलाफ हमने प्रिवेंट एक्शन लिया है। हमारा कोमिंग ऑपरेशन हो चुका है और साथ ही साथ हमारे जो पीस कमेटी की मीटिंग जितनी भी हुई है हर सोसाइटी में और हर इलाके में, हमने पूरी तरह से लोगों को हमें कॉन्फिडेंस में लिया है। तो जो अच्छे लोग हैं वो पूरी तरह से हमें पुलिस को कोऑपरेट कर रहे हैं और जिनके पास हम वॉच रखना चाहते हैं हम वो उसी सभी लोग हम हमारे अंकुश में रखे हैं। सर, एक आप अधिकारी हैं, चुनाव का माहौल है, चुनाव के जितने भी मतदार हैं क्या अपील करना चाहेंगे? हम यही अपील करेंगे कि अब डिसिप्लिन का मेंटेन रखते हुए, शांति रखते हुए अपना वो डेमोक्रेसी है, वो डेमोक्रेसी का आप अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करने का है। और यूथ लोग हैं, हमारे कॉलेज के स्टूडेंट है, वो सब उसमें से पार्टिसिपेट होना चाहिए। वो हमने आह्वान भी किया है उनको कि ये अपना देश के डेमोक्रेसी के बारे में अच्छी तरह से डेमोक्रेसी अपने को परकुलेशन करना है, तो अपना वोट करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर महोदय भी मौजूद हैं कि आखिर इनका क्या सोचना है जो इन्होंने रुद्र प्रतिष्ठान के साथ जुड़े और आज किट बांटने का काम किया। क्या है, देखिए इलेक्शन ड्यूटी इनकी ऐसी लगती है क्योंकि कभी
मतलब दिनों तक ही अपने घर नहीं जा सकते हैं, उनको वहीं जगह पे अपने रुक के वहीं पे सब काम करना पड़ता है। वहीं पे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे मच्छर हो, चाहे कीड़े हो, कुछ भी हो, उनको अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से करना पड़ता है। तो इसके लिए जो उनकी तकलीफ कम से कम हो, इसके लिए रुद्र प्रतिष्ठान ने जो अपनी तरफ से इनको सहयोग देने की कोशिश की है और जो दिया है वो जरूर से लोगों द्वारा अप्रिशिएट किया जाएगा। और रुद्र प्रतिष्ठान जो है हर बार ऐसे ही जहाँ भी जरूरत होगी वहाँ लोगों की, जरूरतमंद लोगों को मदद करता रहेगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। तो सुना आपने कि डॉक्टर साहब ने क्या कहा कि रुद्र प्रतिष्ठान हमेशा की तरह सम्मान का काम और लोगों की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप पालवी के साथ चंदूषण विश्वकर्मा, जेजेवी न्यूज थाने। आप हमारे YouTube पेज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर घंटी जरूर बजाएं ताकि आपको मिल सके हमारे खबरों के नए अपडेट का नोटिफिकेशन।